दिया। मेरी एक गुजारिश है, मेरी एक गुजारिश है कि जैसे हमने तसल्ली से सुना, जैसे इन्होंने बलूचिस्तान को ऐसा नक्शा पेश किया कि यहाँ पे तो पता नहीं बस वो सोमालिया और पता नहीं क्या बना हुआ है, तो आप मुझे भी गौर से ज़रा सुन लें। चमन वाक्य की तरफ से स्टार्ट लेता हूँ मैं। हम सबको अफसोस है, शहादतें हुई हैं, मैं उनको शहीद कहूँगा। बच्चे थे उसमें, बड़े थे, फायरिंग के इंसिडेंट में भी, उसके बाद आज के धमाके में भी। जनाब स्पीकर साहब, कहते हैं कि जहाँ पे आग जलती है ना, उस ज़मीन को पता होता है कि तपिश क्या है। दूर बैठा हुआ तो तमाशा ही होता है। जिसका बाप, भाई, बेटा या एक रिश्तेदार, माँ, बहन, जब अल्लाह ने उसको अगर 50 साल की ज़िंदगी दी है, 25 साल में अगर उसको छीन लिया जाता है दहशतगर्दी की सूरत में, तो उस घराने पर क्या गुजरती है ये वो घराने जानते हैं। मेरे दोस्तों ने कहा कि ये बलूचिस्तान, अब मेरे एक दोस्त ने कहा कि जी ये बड़े फिगर देते हैं वो, कि जी इतने मिलियन क्यूबिक पता नहीं वो पानी जो है ना, मिलियन हमको तो वो नहीं आता है। अब ये कुदरती आफात है, ये हकूमत या किसी शख्स या किसी फ़र्द के बस की बात नहीं है। जलजला आता है, सैलाब आते हैं, ये कुदरत की तरफ से एक आफतें हैं, कुदरती आफात है। अब बना रहे हैं इंशाल्लाह, आप देखेंगे। जनाब स्पीकर साहब, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं किसी की ना किसी के ख़िलाफ़ बात कर, मेरे एक दोस्त बैठे हुए हैं, मेरे इसको बायां हाथ कहते हैं शायद, ये मौजूद है। इनका वो भाई जो एक कारोबारी आदमी था, जो एक शरीफुल नफ्स इंसान था, उसको शहीद किया गया बमाए साथियों के। उसकी फिर शहादत की वीडियो बना के पूरी दुनिया को दिखाई गई। हमने इसका तो भाई था, हमने उसके इतने इतने टुकड़े इस बोलान हॉस्पिटल में हमने हाथों से देखे हैं। जनाब स्पीकर साहब, आज ये अमन की बात करते हैं, कौन से अमन की बात करते हैं? आज ये फोर्सेस की चौकियों की बात करते हैं, कौन सी चौकियों की बात करते हैं? कहाँ पे क्या नहीं हुआ है? एक सिपाही जो इस मुल्क के लिए, चाहे वो एफसी का है, फौज का है, पुलिस का है या किसी भी फोर्सेस का है, वो इस मुल्क की हिफाजत के लिए, ना कि 15,000 या 20,000 रुपए के लिए। 20,000 पे तो आप जाके एक बाजार में रेडी लगाएं, आप मूली के पत्ते बेचें, आप गन्ने का जूस बेचें, आप इतना कमा लेते हैं। वो इस सरजमीन की हिफाजत के लिए वो अपनी जान का नजराना पेश करता है, वो घर से खुश खुश आता है। हमने अपनी आंखों से देखा जनाब स्पीकर साहब। मैं गुजर रहा था रेलवे स्टेशन पे, एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको, रेलवे स्टेशन पे आर्मी के सिपाही छुट्टी से वापस आए, और जैसे ही वो आपके इस रोड पे आए, उनको एम्बुश कर दिया गया, मार दिया गया। क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? क्या वो इंसान नहीं थे? एक आदमी अपनी बीवी के साथ, बीवी से, माँ से इजाजत लेके सरगोधा से चलता है, लाहौर से चलता है, केपी से चलता है, सिंध से चलता है, यहाँ पे इस मुल्क की हिफाजत, मुल्क की खिदमत करने के लिए, और 24 घंटे के बाद जब वो उसकी ट्रेन यहाँ रुकती है, उसकी लाश और उसकी इतला जाती है, उस माँ, उस बहन, उस बेट बाप पे क्या गुजरती है? ठीक है, हमें भी अफसोस है चमन वाक्य का, इस पे कमेटी बनी हुई है, इस पे कमीशन बन गया है, उसको आने दें उसका नतीजा। इसके साथ साथ जनाब, किस जगह पे फोर्सेस को निशाना नहीं बनाया गया? फिर उनको दुनिया को दिखाने के लिए वीडियोस, और जिस तरीके से उनका कत्ले आम किया जाता है, क्या क्या इसको शराफत कहते हैं? क्या ये मुल्क के जो है ना लायल है, इस मुल्क के, इस सरजमीन के, कि एक आपकी हिफाजत के लिए, आपकी सरहदों की हिफाजत के लिए, आपके दुश्मनों के सामने सीना सुपर खड़ा है, और आप जाके
उसकी गाड़ी उड़ाते हैं, उसको मारते हैं। क्या ये इंसानियत है? कौन सा इथिक्स, कौन सी दुनिया की, कौन सा मजहब इस चीज की इजाजत देता है? जनाब स्पीकर साहब, एक जज्बाती तकरीर करना तो आसान है, जिन पे गुजरती है आप उनको बताएं, उनसे पूछें क्यों करते हैं। हमने कब कहा, पाकिस्तान ने कब कहा, कब किसको तालीम से रोका है? इन्होंने कहा कि तालीम, मैं कहता हूं ठीक है, किसको रोका? किला अब्दुल्ला का एक बच्चा है, काकड़ है, वो अमेरिका तक मुकाबले में जाके अमेरिका तक, आज यूएन की, अमेरिका की आज इसी पीएनडी में वो खिदमत दे रहा है। किसको रियासत ने रोका कि तुम तालीम हासिल नहीं करो? रोकने वाले कौन थे? मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं, 70s में मैं पढ़ता था 8वीं में, किस तरीके से इसाजा कराम को, जो हमारे लिए काबिल एहतराम, जो काबिल इसाजा थे, निकाला गया इधर से। अब जाए तारीख दोहराए, मैं बात करने दें अख्तर, मुझे बात करने दें। मैंने किसी मेरी मैं मुझे देखिए चाचा, मुझे बात करने दें, आप फिर अपनी बारी पे बात कर लें, जवाब दें। हमने आपको, आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया है। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे फिर आप लोगों की भी ये चीज नहीं चलेगी, गलत है। मैं, मुझे फ्लोर दिया गया जनाब स्पीकर साहब, मुझे बात करने दें। मैं अगर गलत बयानी कर रहा हूं, अगर ये इनकी बारी है, वो अपना साबित करें। मैं अगर झूठा हूं, मैं गलत बयानी कर रहा हूं, ये उस गलत जी। ठीक हो, देखे फिर हम भी किसी को इधर नहीं बोलने देंगे जनाब स्पीकर साहब। अगर ये बात है तो मुझे आपने फ्लोर दिया है, अमनवाज देखो मैं अपनी बारी पे बात कर रहा हूँ। मैंने पहले कहा कि हौसले से सुने, फिर हम निकल जाते हैं, ये करें फिर क्यों ऐसे करते हैं? इल्जाम लगा रहे, अपनी बारी पर आप जवाब दें। मैं इस चीज का विटनेस हूं, मैं हल्फन कहता हूं कि निकाला गया टीचरों को। कल क्वेटा में लो, ये पंजाबी यहाँ पे रहने वालों का कफन भेजे गए, किसने भेजे जी? सरदार साहब, आप मेन टॉपिक पे आ जाएं। जनाब स्पीकर साहब, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरा झूठ साबित करें और अपनी बारी पर मुझे झूठा करार दें, ये गलत है कि अभी तकरीर के बाद अपने तकरीर में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल ताबेदार, आप मेरी बात सुन ले जी सरदार साहब, मैं गलत बयान कर रहा हूँ, सही बयान कर रहा हूँ मैं। आप मेन टॉपिक पे आ जाए जी। शुक्रिया सरदार साहब, मेन में आ जाए जी, मेन टॉपिक पे आ जाए जी। आप बैठ, जी शुक्रिया मलक साहब, मुझे बात करने दे, मुझे फ्लोर दिया, आप अपनी बारी पर जो बोलते हैं हम सुनेंगे। जी सरदार साहब, ये गलत है जनाब स्पीकर साहब। सना बलोच ने कहा, तकरीर की, सिकंदर साहब ने की, नसुल्ला ने की, हमने एक लफ्ज किसी ने बात नहीं किया। आप अपने उस पे मेन टॉपिक पे, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, गलत कह रहे हैं, मैंने 70s की बात की है। क्यों अभी ऐसे नहीं होगा स्पीकर साहब, हम वॉकआउट करेंगे जी। जी शुक्रिया मलिक साहब, अगर हमारे साथ स्पीकर साहब हो गया, बाद में दे दूंगा आप अपनी बारी पर मुझे झूठा, उसको कंप्लीट करने दे, आप मुझे झूठा साबित कर दें कि मैं गलत बयान कर, लेकिन मैं जो बोलूं, स्पीकर बैठा है, मुझे फ्लोर दिया गया है, आप अपनी आपको बारी बाद में मलिक साहब दे देंगे। दुनिया का वो गलत, आप अपनी बारी पे साबित कर दें, बस खत्म। आप बोल दें, वजात कर दें, मैंने नहीं रोका है आपको जी, मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, मुझ में बर्दाश्त है जी सरदार साहब। तो जनाब स्पीकर साहब, इंटरप्शन मैंने पहले गुजारिश की कि इंटरप्शन ना करें, मेरी अर्थ सुने, मैं अपनी बात पे आज भी कायम हूं,
मैं उस वक्त 8वीं में पढ़ता था, हमारे टीचर थे, हमारे हेडमास्टर थे, टीचर थे, निकाल दिए गए, सुबह बदर हुए, और वो जो हमसे एक क्लास आगे था उसको हमारे ऊपर टीचर लगा दिया गया। अब वो हमारा जितना गैप आया, मुझे पता है कि हमारी एजुकेशन में नहीं, आपस में बात नहीं कर, आपकी फैमिली की तरबियत का भी मुझे पता है, आप छोड़ देना। जनाब स्पीकर साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि ये ब्लेम गेम, जी हुकूमत ने ऐसे किया, हुकूमत ने ऐसे किया, क्या मेरे इलाके में बिजली की ट्रांसमिशन लाइन ये गवाह बैठा हुआ है, उड़ाते रहे यही दहशतगर्द। मैंने जंग की, मेरी कौम ने उनके साथ जंग की। हाँ नहीं है खिलाफ, आप लोग उनको शह दे, बात सुने ना, अभी आप बोलान तक पहुंच गए, सना सुनो, सुनने की सलाहियत पैदा करो। मैं हवाले से उसको कंप्लीट करने दे, बाद में आ जाए जी, कंप्लीट करें अब उसमें। नहीं देखो सना, हमने आपको सुना जो आपने बोला, ये आपने मौजू पे बात की है कि जी फिलाना कार्ड इशू करो, यो चमन को कार्ड इशू करो, और बलूचिस्तान में ये हो रहा है। मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं कि क्या इस सूबे के साथ किसने क्या किया। मेरा विजन ये है कि आप मुझे बात करने दे, फिर ये कौन सा तरीका है कि बार बार आप मुझे इंटरप्ट करें। जी आप बैठ जाए, अगर यही हाल रहा मैं असेंबली का कार्रवाई को वो करूंगा सस्पेंड करके। जी सर, मैंने कहा यही शोर शराबा रहेगा तो फिर चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। ऐसे फिर स्पीकर साहब कोई भी नहीं बोल सकेगा। अगर अभी दरमियान में कोई बोला फिर मैं आधे घंटे के लिए वो करूंगा सस्पेंड। नहीं, मैं आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की है, आपने कहा कि कल हर बॉर्डर पे होगा। मैं जनाब स्पीकर साहब, हमने जंग की मरियों के साथ, बुकटियों के साथ हमने जंग की। नवाब बुकटी ने मेरे पास 100 वडेरे भेजे कि बस करें। मैंने कहा आप बस करो, मेरे इलाके के साथ आपका काम नहीं है, आप डेरा बुकटी को आग लगा दो। तब जाके रुका मेरे इलाके में, मैं आपको बताता हूँ, सक्खर के गरीब मजदूर, पंजाब के गरीब मजदूर खेमे में लेटे हुए थे, आके सबका कत्लेआम करके चले गए। मैं तो फिर भी शाबाशी देता हूं इनको के इन पे हमेशा हाथ रखते हैं, इनको बचाते हैं। मैंने उनके लोग पकड़े कि जी GHQ भी हिल गया सारी चीज के, इसके आदमी देखें, बलूचिस्तान की तरक्की में बुनियादी रुकावट ये दहशतगर्द हैं। मैं एक गवर्नमेंट की तरफ से यकीन दहानी करवाता हूं कि ये जिस बदमनी की बात करते हैं, जो अपने को कल गए जाके चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची, वहां पे दहशतगर्दी कर रहे हैं, क्या क्या लॉजिक बनती है। ये बलूचिस्तान को पसमांदा देखना चाहते हैं, बलूचिस्तान के तालीम को पीछे रखना चाहते हैं, ये मजबूर करते हैं फोर्सेस को कि चौकियां लगाएं, इनकी तलाशियां हों और इन दहशतगर्दों को पकड़ें। उस पे कुछ लोगों को पर नागवार गुजरता है जनाब कि जी हमारी भाई, आप अमन दे दें, यहाँ पे आप मुझे गारंटी दे दें, आए टेबल पे बैठे, किस एक शख्स, मैं चैलेंज पे कहता हूं, एक शख्स बलूचिस्तान का एक बच्चा निकल आए कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, बलूचिस्तान के हुक्मरानों ने उसको कहा कि हम तुमको पढ़ने नहीं देते। किसने रोका ये भी आपके सामने है, आपके इलाके का भी आपको अच्छी तरह पता है, इसके इलाके का भी पता है, मेरे इलाके। अब मैंने स्कूल कायम किए, मैंने अपने हर तीन किलोमीटर पे एक प्राइमरी स्कूल है, 5 किलोमीटर पे एक मिडिल स्कूल है, 10 किलोमीटर के रेडियस में हाई स्कूल है। आज मैं कॉलेज के लिए लड़ता हूँ, आज मैं यूनिवर्सिटी के कैंपस ले गया हूँ, मुझे किसने रोका है। मैंने कब अपने बच्चों, बहसीत सरदार,
कोई एक लड़का बारखान की पौने 2 लाख की आबादी से निकला है कि सरदार ने कहा है कि जी आपको मैं तालीम हासिल करने नहीं देता हूँ। ये ब्लेम गेम बंद करें, आए हमारे साथ टेबल पे बैठें। ये ठीक है शहीद हुए चमन के, मुझे दुख है, ये उनकी माओ से पूछो उनके, लेकिन किसने किया? आपके पास वीडियो मौजूद हैं कि कहाँ से फायरिंग हो रही है। फिर यहां से जो भी दहशतगर्द भाग के जाता है कहां पे जाके पनाह लेता है? आपकी बॉर्डर है 2000 किलोमीटर, कौन सी चौकी पर इन्होंने हमले नहीं किए? कहां पे हमारे फोर्सेस के लोग शहीद नहीं हुए? क्या क्या फौज खुद जाके अपने आदमी मार रही है और इनको ब्लेम कर रही है? क्यों करते हैं दहशतगर्दी? हम तो अपने इलाके में बैठे हैं, हम अपने इलाके की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी फोर्सेज हमारे इलाके के तहफ़ कर रही है, आप उठ के आते हैं हमारे इलाके में हमें मारते हैं। जी इस बॉर्डर वाले इस पे टॉपिक पे आ जाइए। बॉर्डर की मैं बात कर रहा हूँ जनाब स्पीकर साहब, जो भी सिलसिला होता है दहशतगर्द वहां से आते हैं, यहाँ दहशतगर्दी करते हैं। ये धमाका मैं गारंटी पे कहता हूँ, कमीशन कायम है, इंशाल्लाह इसका ताने बाने भी जाके वहां निकलेंगे। अगर हमारी फोर्सेस की तरफ निकले, मैं सरेआम इस जिना रोड पे अपने को कत्ल के लिए तैयार करूंगा, फांसी लगने को मैं तैयार हूं अगर मेरे इस मुल्क के किसी ने ये धमाका किया था। जी शुक्रिया सरदार। जनाब स्पीकर साहब, तालीम हमें छोड़ें, मेहरबानी करके हमें छोड़ें। आज इसका घर बर्बाद हो गया है, क्यों, क्या कसूर था, किसको उसने मारा? वो कारोबार कर रहा था, वो ये मुहब्बे वतन है, इसलिए इनको मारो। मुझे धमकी, मुझे एक रात फोन आया, मैं 2 बजे बैठा हूं, अच्छा तुम्हारा जो है ना जिंदगी, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। मैंने कहा भाई कौन बोल रहे हो? कहते हैं बस तुमको पता लग जाएगा, तुम्हारे बच्चे फिलानी जगह। मैंने फोन बंद कर दिया, मैं बैठा हुआ था, थोड़ी देर के बाद फोन किया, फोन क्यों बंद किया? मैंने कहा यार तुम कौन हो, अपना तारुफ कराओ। कहते हैं मेरे तारुफ तुमको जल्दी पता लगेगा, तुम्हारे बच्चे फिलाने स्कूल जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, बस मैंने सुन लिया। मैंने फोन तीसरी दफा फिर मुझे फोन करा है, अच्छा तुम फोन क्यों बंद बार बार बंद? मैंने कहा गैर पार्लिमानी अल्फाज, मैंने कहा तुम जैसा बेगैरत कोई नहीं है, तुम अपना नाम बताते हुए मुझसे डरते हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, मैं तुझे चैलेंज करता हूँ। आज उस चीज को 3-4 साल हो गए। देखें ये क्या है कि मैं मोहब्बे वतन हूं, मुझे पाकिस्तानी होने पर फख्र है, मुझे अपने इदारों पर फख्र है। ठीक है जाती इख्तलाफ होगा किसी जनरल के साथ, किसी ब्रिगेडियर के साथ, किसी एसपी के साथ, किसी आईजी के साथ, किसी के साथ, लेकिन बहसियत एक इदारा मेरी सारा कुमार, ये पाकिस्तान हमारा है, हम सबका है, ये फौज हमारी है, ये इदारे हमारे हैं, हम इसी की सरजमीन की वजह से हम किसी एयरपोर्ट पर, जनाब स्पीकर साहब आपने भी बहुत बाहर सफर किया, हमने भी किया, हम सबज पासपोर्ट दिखाते हैं, यू पाकिस्तानी। कभी उसने नहीं कहा कि जी तुम जहरी हो, तुम खेतरान हो, तुम अचकजई हो, तुम काकड़ हो, नो पाकिस्तानी, ये हमारी पहचान है। मैं गुजारिश करूंगा फ्लोर पे आखिर में, जनाब स्पीकर साहब मेरी गुजारिश होगी, 10 बस्ता गुजारिश होगी कि पाकिस्तान को आप तस्लीम करें, पाकिस्तान के शहरी बने, लोगों को इजाजत दें कि जीने का हक दें। कल उठा के सारे आपके कोड़ियों के दाम रोते हुए ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लोगों ने जहां पे जायदादें बेच दी हैं। जी सरदार साहब इसको क्या है, एक गोली रखी हुई है, वो काफूर की गोलियां रखी हुई है, कफन भेजा जा रहा है कि जी तुम नॉन लोकल हो, यहाँ से निकल जाओ। ये कौन सा तुक है? ये पाकिस्तान सबकी सरजमीन है, जितना मेरा क्वेटे पर हक है उतना लाहौर पे हक है, उतना पिशावर पे हक है, उतना इस्लामाबाद पे। मैं चैलेंज पे कहता हूँ जाएं आप कारोबार करें इस्लामाबाद में, लाहौर में, अगर आपको किसी ने रोका मैं जिम्मेदार। थैंक यू जी, शुक्रिया।